यहोशु अध्याय 20 यहोशु अध्याय 20 फिर यहोवा ने यहोशु से कहा, इसराइलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे, वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कहे सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे, और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा उस खूनी को उसके हाथ में न दे, और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए, और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को और एप्रेम के पहाड़ी देश के में शेकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतर्बा को जो हेब्रोन भी कहलाता है पवित्र ठहराया, और यरीहो के पास के यर्दन की पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को भी जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को और मनुष्य के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया, सारे इसराइलियों के लिए और उनसे बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले सो उनमें से किसी से भाग जाए और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए, वह यही है।